आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के द्वारा भी अपनी मध्य प्रदेश को लेकर अगली सूची जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा प्रत्याशी सूची जारी की गई है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर अपनी प्रत्याशी सूची जारी की गई। पार्टी की तरफ से जारी की गई सूची के अनुसार रामेश्वर सोलंकी करेरा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये शिवपुरी जिले के अंदर आती है। ठाकुरलाल जाटव को कोलारस जो शिवपुरी जिले के अंतर्गत आती है वहां से टिकट दी गई है। मेवालाल वार को पन्ना जिले के अंतर्गत आने वाले सीट पर टिकट देकर मैदान में उतारा। जितेंद्र कुमार अहिरवार को इच्छावर की सीट से मैदान में उतारा गया है। अजय सूर्यवंशी को आगर की सीट से मैदान में उतारा है। कैलाश चोरड़िया को सुजालपुर की सीट से मैदान में उतारा है। योगेश मालवीय को काला पीपल शाजापुर की सीट से मैदान में उतारा है और बालू सिंह वाणिया गटिया जो उज्जैन की सीट है वहां से मैदान में उतारा है और महेश मेघवाल को मनासा की सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है, जो सूची आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। यानी कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी मध्य प्रदेश में ये अगली प्रत्याशी सूची जारी की गई है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में करीब आपको बता दें कि 20 से 25 प्रत्याशी अभी तक चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बैनर तले उतारे जा चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही के अंदर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह लिखा था कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से निकाली गई जो संविधान बचाओ यात्रा थी उसके बाद बड़ी संख्या में लोग उनकी पार्टी की टिकट है वो मांग रहे हैं और धीरे धीरे प्रत्याशियों के चयन के बाद वो टिकट है वितरण कर रहे हैं। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ। आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर।